हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे पनीर टिक्का। उसके लिए लगने वाला सामान देख, ये 200 ग्राम पनीर है, धनिया, 3 बड़े प्याज है, ये लंबे लंबे काट के लिए मैंने, 2 बड़े टमाटर है, 7 से 8 मैंने काजू लिए, इसकी वजह से अपनी जो ग्रेवी रहेगी वो थोड़ी थिक होगी। उसके बाद 2 चम्मच आलू और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच यहाँ पे किचन किंग मसाला है, 2 चम्मच यहाँ पे अपना मिर्ची पाउडर है, कश्मीरी मिर्ची पाउडर है ना, वो वाला है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने बटर लिया है। उसके बाद और स्वाद अनुसार नमक है। ये पनीर है, ये अभी हम लोग पहले मैरिनेट करके लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें ये पनीर डालूंगी पूरा। 200 ग्राम पनीर है, उसके हिसाब से सब मसाले मैंने लिए हैं। इसमें अभी जाएगा ये जो गरम मसाला है वो आधा इसमें डालूंगी मैं, आधा रखूंगी। उसके बाद ये जो किचन किंग मसाला है उसमें से मैं आधा अभी डालूंगी, आधा रखूंगी। जो धनिया पाउडर है उसमें से आधा मैंने डाला है, आधा रखा है। और जो ये कश्मीरी तीखा लाल है इसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है, और थोड़ी सी धनिया डालेंगे इसमें। और ये अच्छे से मिक्स करके और ये 10 मिनट तक ऐसे ही मैरिनेट करके रखेंगे। इसमें अभी मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी और ये 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूंगी। अभी मैं ये 10 मिनट तक ऐसे ही रखूंगी, तब तक हम जो ग्रेवी है उसकी तैयारी करके लेते हैं। तो मैंने अभी एक कढ़ाई ली है, अभी ये कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं तेल डालूंगी, ज़रा ज़्यादा ही लूंगी। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें प्याज डालेंगे। अभी तेल गर्म हुआ है, इसमें मैं प्याज डालूंगी। अभी ये प्याज अच्छे से और जल्दी पकने के लिए, जल्दी ब्राउन होने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। नमक से क्या होता है वो जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हम थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे, इससे जल्दी ब्राउन हो जाएगा हमारा प्याज। अभी आप देख सकते हैं ये कलर धीरे धीरे इसका ब्राउन होते जा रहा है, मतलब प्याज अपना पक रहा है। अभी इसमें हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट लिया था ये डालेंगे, इससे जो उसका कच्चा स्मेल रहता है वो चला जाता है, इसीलिए अच्छे से भून लेंगे इसमें प्याज में। ये भूनने के बाद हम टमाटर डालेंगे। अभी इसमें जो हम लोग ने टमाटर लिया है वो डालेंगे, वो भी अच्छे से गलने तक हम उसको भूनेंगे।
अभी आप देख सकते हो ये प्याज और टमाटर दोनों है वो अच्छे से तेल में घुल गए हैं। अभी इसमें हम जो काजू लिए थे वो डालेंगे, ये भी 2 मिनट तक भूनेंगे हम और उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। अभी ये भून गया है अच्छे से, मैं इसको एक प्लेट में निकाल के मिक्सर में पीस लेती हूँ। अब ये ठंडा हो गया है, मैं ये मिक्सर में डाल के पीस लेती हूँ। ये देखो मैंने पानी डाल के ये अच्छे से पीस लिया है, अभी इसका हम ग्रेवी बनाते हैं। अभी जो हम लोग ने मसाला भून लिया था वो कढ़ाई थी उसी का तेल बचा हुआ था, उसमें मैंने और थोड़ा तेल लिया है और वो गर्म होने के बाद उसी में हम वो जो पीस लिया है वो मसाला डाल देंगे। मसाला जैसे ये अच्छे से बन जाएगा उसके बाद धीरे धीरे मसाले में से तेल निकलना शुरू होगा, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि मसाला भून गया है अच्छे से। ये अभी मसाले में जो हम लोग ने पनीर मैरिनेट करने के बाद बचा हुआ गरम मसाला, चिकन किंग मसाला ये रखा था, ये सब जो रखे थे वो मसाले अभी इसमें डालेंगे हम। ये अच्छे से भून लेंगे, मिक्स करके लेंगे। मसाला अभी बंद कर रहे हैं, हम लोग ने जो काजू डाला है इसकी वजह से अपनी ग्रेवी थोड़ी रिच होगी, इसका टेक्सचर अच्छा आता है। ये 5 मिनट तक हम लोग ऐसे ही अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे आपको थिकनेस चाहिए वैसे उसके हिसाब से। इसमें अभी मैं पानी डालूंगी, मसाला अपना हो गया है बन गया है, मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा ठीक है ये। एक ग्लास पानी मैंने लिया है इसमें। अभी जब हम लोग ने प्याज भून रहे थे उसके ग्रेवी बना रहे थे तब हम लोग ने उसमें नमक डाला था, और जो हम लोग ने पनीर मैरिनेट किया है उसमें भी हम लोग ने नमक डाला था, तो अभी इसमें बहुत थोड़ा नमक जाएगा। इसमें बहुत थोड़ा नमक डाला है मैंने क्योंकि हम लोग ने पहले भी नमक का यूज़ किया है इसके वजह से। अभी ये 5 मिनट हम लोग गैस की फ्लो कम करके उबाल लेंगे अच्छे से। अभी इसमें जो हम लोग ने पनीर मैरिनेट किया था वो डालेंगे और उसको 2 मिनट 2 से 3 मिनट तक अच्छे से
पका लेंगे। एक ध्यान रखने का, जब हम खाने वाले हैं उसके पहले ही पनीर डालने का, बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं डालने का और ज़्यादा पकाने का भी नहीं है, अदरवाइज़ ये पनीर है वो रबर जैसा बनता है। अगर ये सॉफ्ट चाहिए तो उसको ज़्यादा उबालो भी मत और ज़्यादा टाइम पहले भी मत डालो ग्रेवी में। इसमें मैंने थोड़ा पनीर लिया था, वो पनीर भी डालेंगे। सॉरी, ये बटर है, ये बटर डाला था, अभी ये भी मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। अभी इसमें हम गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे थोड़ी सी। अभी अपना पनीर बन गया है, इसको हम निकाल के लेंगे एक डिश में। इस तरह से अपना पनीर है वो बन गया है, पनीर टिक्का मसाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।